बहुत सारे लोगों के आजकल ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने भी शॉर्ट्स का एक नया चैनल बनाया है, कंटिन्यू रेगुलर हम शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने चैनल पे डाल रहे हैं, बट चैनल बूस्ट नहीं कर रहा यूट्यूब। तो यूट्यूब हमारा चैनल बूस्ट कब करेगा? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपने एक नया शॉर्ट चैनल बनाया है तो यूट्यूब खुद से आपके चैनल को कब बूस्ट करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे कॉन्टेंट आपके लिए मैं हमेशा बनाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक पैट ओनली टैग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, YouTube का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो नए चैनल को हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर नए चैनल को सपोर्ट नहीं करेगा तो नए चैनल बनेंगे नहीं, और फिर तो भैया प्लेटफॉर्म ही खराब हो जाएगा। तो ये सच्चाई है, इस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो नए चैनल को हमेशा सपोर्ट करता है। मैंने कई बार यूट्यूब के इवेंट में जाकर यूट्यूब की टीम मेंबर से बात की है, उन्होंने भी यही बताया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शॉर्ट चैनल को कब बूस्ट करने लगता है। तो देखिए शॉर्ट चैनल, मैंने बहुत सारे जब शॉर्ट्स मोनेटाइज हुआ तो बहुत सारे लोगों के नए नए शॉर्ट चैनल क्रिएट करे थे, वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को पहले दिन से ही बूस्ट करने लग जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो भाई, जी हाँ पहले दिन से ही वो बूस्ट करने लग जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई साहब मेरे व्यूज तो 50 ही आके रह गए, 100 ही आके रह गए, या किसी के 2000 व्यूज आ गए, किसी के एक दिन में 1,00,000 व्यूज भी आ गए, ये कैसे हुआ? तो इसका मैं आपको जवाब अब दे सकता हूं, क्योंकि करीब 10 चैनल का मुझे एक्सपीरियंस है शॉर्ट्स का, जो मैंने अपने दोस्तों के बनवाए हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को हाथों हाथ शॉर्ट्स की जो फीड है उसमें चला देता है, यानी कि उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको पहली वीडियो से बूस्ट कर देगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको तीसरी चौथी वीडियो से बूस्ट करे, बट ज्यादातर केसेस मैंने देखा कि पहली वीडियो ही शॉर्ट फीड में चली जाएगी। अगर आप अपना नया चैनल बनाए हो तो आप पहली वीडियो में अगर आपके 100 व्यूज भी आए तो आप एनालिटिक में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ व्यूज शॉर्ट फीड से मिले होंगे, क्योंकि शॉर्ट फीड से ही सबसे ज्यादा शॉर्ट्स वायरल होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि उसने शॉर्ट फीड में भेज दिया, अब आगे रुक गया, व्यूज आ नहीं रहा, स्टक हो गया, आगे क्यों नहीं जा रहा? तो इसका रीजन जो है ना वो बेसिकली दो है। एक तो आपका जो शॉर्ट्स है ना वो उतना इंप्रेसिव नहीं है, उसमें वो दम नहीं है कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक देख रहे हैं, उसको स्वाइप अप कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? YouTube ने तो आपके शॉर्ट्स को बूस्ट कर दिया, लोगों को पहुंचा दिया, शॉर्ट फीड में डाल दिया, तो लोगों ने देख तो लिया, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा, चाहे 20 ने देखा, चाहे 50 ने देखा, चाहे 100 ने देखा, चाहे 1,000 ने देखा, उन्होंने उस पर एंगेजमेंट नहीं दिखाया। अगर आपके शॉर्ट्स को लोग ज्यादा शेयर कर देते हैं, ज्यादा उस पर कमेंट करते हैं, ज्यादा उसको लाइक करते हैं, तो एल्गोरिदम को लगता है, और ज्यादा देखते हैं, जो एवरेज व्यूअर्स है वो ज्यादा है, तो एल्गोरिदम को लगता है कि आपका शॉर्ट तो भाई बहुत ही एंगेजिंग है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा। यानी कुल मिला के आपका शॉर्ट आपको एंगेजिंग बनाना है, अच्छे कॉल आउट देने, लोगों से लाइक करवाना है, कमेंट करवाना है, शेयर करवाना है, अच्छा एंगेजमेंट अगर आपके शॉर्ट्स पे आएगा तो YouTube आपके शॉर्ट्स को लगातार फिर बूस्ट करता रहेगा। यानी एक बार उसने बूस्ट कर दिया फिर रोक देगा, लेकिन अगर एंगेजमेंट है तो उसको लगातार बूस्ट करता रहेगा, और वो जो है वो शॉर्ट की फीड से वायरल हो जाएगा, और ज्यादातर शॉर्ट्स शॉर्ट की फीड से ऐसे ही वायरल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो वीडियो है आपकी शॉर्ट्स है उस पर स्टार्टिंग में थोड़े बहुत भी आते हैं, 50, 100, 1,000, 2,000, उसके बाद नहीं आते, तो समझ जाइए कि आपका शॉर्ट्स उतना इंप्रेसिव नहीं है, उस पर इतना एंगेजमेंट, इतना लाइक, इतना कमेंट्स, इतना शेयर नहीं आ रहा है। तो उस पर काम कीजिए, यूट्यूब की इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।